के बच्चा भोसड़ी का, तेरी माँ की चूत लवड़े भैंकलन कहाँ पे रहता है भोसड़ी के, डंडी के बच्चे तेरी माँ की चूत कुत्ते के चोदे भैंकलन भोसड़ी के। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या हाल है? और देख सकते हो मैं इधर फिर आज स्टॉल पर पे जा रहा हूँ। और आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखते होगे तो आपको पता ही चल गया होगा भाई, इधर मुझे बहुत सारा लूट मिलता है हर मैच में, और मैं इधर ज़्यादातर उतरता हूँ। और देखो भाई, इस मैच में मैं उतरते ही मुझे M4 मिल जाता है। जैसा कि मैं सबको पता है भाई, ये जो इधर मेन बिल्डिंग है एक, उधर भाई हमेशा गन रहता है, तो मैं उधर ही उतरता हूँ और वो बंदा पीछे उतरता है, तो मुझे उतरते ही M416 मिल जाता है और मैं उस बंदे को आराम से मार देता हूँ। देखो, और उस बंदे के पास भी गन होता है भाई, उसको कारल मिल जाता है, और मैं भाई मुझे गन मिलते ही उसको मैं रस करने चला जाता हूँ। और देख सकते हो वो बंदा पीछे ही है। और देखो भाई, मैं जैसे कि बोला था कि इस कंपाउंड में भाई गारंटी गन होता है, और अभी तो मुझे M4 मिल जाता है। देखो, लेफ्ट में उतरा वो बंदा और मुझे इधर भाई M4 मिल जाता है। देख सकते हो आते ही मतलब इधर गिरा हुआ है, तो क्या ही मतलब M4 प्लस BSS, क्या ही बोलूँ भाई, मतलब ऐसा लूट उतरते ही। और देख सकते हो लेवल 3 मतलब लेवल 2 बेस्ट मिल गया, और देखो मैं उसको मारने चला जाता हूँ। अब मुझे लग रहा था कि उसके पास गन नहीं होगा, लेकिन उसको भी स्कारल मिल जाता है। और ये बंदा भाई पहले तो बहुत अच्छा मारा, लेकिन देखो बाद में इसको मैं आराम से क्लियर कर देता हूँ, और इसको मैंने आराम से टपका दिया ब्रो। और मुझे इधर डर भी लग रहा था कि अगर इससे मैं मर गया तो माइनस हो जाएगा करके, लेकिन मुझे उतरते ही गन मिल गया ना, तो मेरा भाई कॉन्फिडेंस हाई हो गया और मैं उसको मारने चला गया और उसको भी मैंने टपका दिया। क्या ही कर सकते हैं, अगर इधर मैं मर जाता तो माइनस लग जाता ब्रो। तो गाइस देखो, मैं उस बंदे को मार के इधर लूट रहा होता हूँ, और ये बॉट भाई साहब हमारे मतलब खातिरदारी करने के लिए चले आते हैं, तो हम भी भाई नाश्ता पानी दे देते हैं इनको। तो गाइज, ऊपर गाड़ी नहीं था और मैं इधर नीचे चला आता हूँ, और नीचे मुझे एक बगी दिखता है और मुझे एक इधर ड्रॉप भी दिख जाता है भाई, मतलब मेरे बगल पे ही गिरा है और मुझे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बहुत दिनों के बाद इधर से MK मिला था, तो भाई चलो MK उठा के देखते हैं बोला मैंने। और भाई क्योंकि ड्रॉप नहीं लूटते हम इसलिए भाई, और ये ड्रॉप तो हमारे पास आया है तो क्यों नहीं लूटे इसको। तो देखो, इसको मैं लूट के भाई जोन के अंदर चलता हूँ ये बगी लेके। तो गाइज, मैं वेयरहाउस से बगी लेके आ रहा था और मुझे रास्ते में ये US दिख गया, तो मैं इसको उठा के मतलब जोन के अंदर चला आता हूँ। और जोन भी अभी आ रहा है, देख सकते हो, और जोन भाई बहुत छोटा हो चुका है। और देखो मतलब आगे एक सैक होता है, मतलब उधर हमेशा बंदे रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उस मतलब जोन के अंदर चला जाए, मतलब ये भी जोन के अंदर नहीं था। तो देखो भाई, मैं उधर जाके मतलब ठोक देता हूँ, मुझे पता नहीं था कि उधर बंदा हो सकता है करके, लेकिन उधर ज़्यादा टाइम भाई कैंप कर रहे होते बंदे। देखो मैं अब जा रहा हूँ और उधर ठोक दूंगा गाड़ी, और बंदा उधर ही रहता है भाई, कैंप कर रहा होता है, और मैं डायरेक्ट घुस जाता हूँ क्योंकि MK14 है ना भाई, मतलब डरने की क्या बात है MK14 है हाथ में। तो इधर मैं आके देखो ठोकता हूँ और इधर जंप करके देखता हूँ बंदा है क्या नहीं करके, और मुझे दिख जाता है बंदा, और इस बंदे को हम बूम बाम दे देते हैं ब्रो। और क्या ही कर सकते हैं ऐसे में, MK है भाई तो क्या डरना है भाई। देखो, MK और M249 होता है ना हाथ में, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है भाई, तो ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। और देखो भाई, ड्रॉप गन से अगर हम मारते हैं ना तो ज़्यादा प्लस होता है, और ड्रॉप लूटने में भाई ज़्यादा प्लस भी हो जाता है, तो भाई ड्रॉप बहुत यूज़फुल होता है अगर आप लूट सकते हो तो। लेकिन ऐसे मतलब डायरेक्ट जाके ड्रॉप नहीं लूटना है। देखो मतलब आपको एक बताता हूँ चीज़ कि देखो भाई, ड्रॉप गिराए और आप दूर मतलब उसको देखो, कैंप करो ड्रॉप को, अगर कोई जब नहीं आएगा ना भाई बहुत टाइम हो जाएगा, तब आप जाके लूट सकते हो, और आप डायरेक्ट भी लूट सकते हो भाई ऐसे सिचुएशन देख के। और देखो भाई, मैं इधर ही रहता हूँ और एक गाड़ी पीछे से आता है, तो मैं उसको भी आराम से टपका देता हूँ, क्योंकि MK बोलते हो ओके। तो देखो भाई, अभी भी मतलब जोन पे 19 बंदे अलाइव हैं और मैं जोन के अंदर हूँ, और पीछे से और एक गाड़ी अब आएगा और उसको मैं देखो कैसे मारता हूँ। तो गाइस, आगे एक गाड़ी आता है और उधर रुक जाता है, तो मैं इधर स्कोपिंग करके देखता हूँ कि भाई पास में है या नहीं करके, और थोड़ा दूर रहता है तो मैं इधर फिर आराम से आके रुक जाता हूँ, और बंदा एक गाड़ी लेके अब आएगा, और मैं सोचता हूँ कि भाई मतलब आगे उसको मारने चला जाऊँ, अगर ये पीछे से गाड़ी वाला नहीं आता तो ऐसा करता मैं, और इधर मेरा मिस हो जाता है भाई, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम इसको मैं आराम से देखो क्लियर कर दिया, और इधर मेरा 4 किल हो चुके हैं।
और भाई जब रिलोड करते वक्त मतलब एक बूस्ट मारने के बाद और एक गाड़ी आता है मेरे पे और रस कर देता है। और मैं भाई एमके है भाई, एमके से कैंपिंग करोगे तो भाई जहर ब्रो। और इसको भी मैंने आराम से क्लियर कर दिया और मेरा 5 किल्स हो चुके हैं। और भाई देख सकते हो पहले मतलब ये आने से पहले आगे से भाई कोई फायर कर रहा था और मेरा गाड़ी फोड़ दे रहा था भाई। लेकिन भाई 3-3 व्हीकल्स हैं मेरा इधर और कितना फोड़ोगे फोड़ लो भाई। तो देखो भाई मैं इसको मैं मार देता हूँ और जोन के चलता हूँ क्योंकि जोन इधर से कट चुका है और अभी भी 12 बंदे लाइव हैं। तो देखो भाई मैं अब कैसे मरता हूँ, देखो मतलब क्या ही सीन होता है मेरे साथ। गाली वाला सीन देखा ना भाई पहले मतलब इंट्रो में, तो भाई ऐसा ही है भाई, देखो कैसे मैं मरता हूँ अब। तो गाइस देखो भाई वो बंदा बहुत मार रहा था बाहर से और मेरा गाड़ी फोड़ दे रहा है भाई। मतलब क्या दुश्मनी है भाई, मेरे से दुश्मनी ले ले, फाइट ले ले आके गाड़ी क्यों फोड़ता है भाई, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और गाइस देख सकते हो मैंने बूम बम स्मोक कर दिया है और इसलिए भाई यूएस लेके निकलता हूँ अब। वो बंदा फाइट ले रहा था अभी, इसलिए मैं इधर गाड़ी लेके निकल लेता हूँ। वो मेरे पे मार रहा था भाई और जो वो भाई बंदा किसी और से फाइट लिया ना तो मैं निकल लिया लेफ्ट से डायरेक्ट, क्योंकि वो राइट पे था। तो देखो भाई मैं शेल्टर के केप पे जाता हूँ और भाई मतलब मुझे उधर कुछ दिखता ही नहीं है, वॉल जैसा दिखता है। तो क्या ही कर सकते भाई, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया इधर। देखो भाई मैं कैसे मरता हूँ, वरना भाई इस मैच में भाई चिकन कर लेता मतलब मेरा जोश फुल था। और देखो भाई मैं इधर आके रुक जाता हूँ क्योंकि ये जोन के अंदर था और देख सकते हो बिल्कुल एज पे हूँ। और भाई एक बंदा अंदर था और मैं इधर थोड़ा रुक जाता हूँ भाई क्योंकि थोड़ा सर्वाइव कर लूँ ऐसे सोच रहा था। और देखो भाई वो बंदा अभी मेरे पे रस नहीं करता, वो 1-2-3 नेड करता है, लेकिन मैं इधर आराम से बच जाता हूँ। और मैं भाई जोन जब आता है इधर से भी निकल लेता हूँ, मतलब अंदर कैंप कर रहा होता है बंदा, मतलब कैंप कर रहे बंदे को क्या ही मारे हम भाई। और गाइस देख सकते हो मैं इधर स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि बंदे कहीं से भी मार देते हैं अगर हम गाड़ी में बैठते हैं तो, मतलब वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बैठेगा और हम मारेंगे करके। तो इसलिए मैं 2 स्मोक कर देता हूँ और आराम से गाड़ी लेके जोन के लिए निकलता हूँ अब इधर से। और इधर मैंने 2 मिनट सर्वाइव किया भाई, काट दिया। तो देखो अब मैं जोन के लिए निकल रहा हूँ और उधर मेरे साथ मतलब स्कैम हो जाता है भाई, स्कैम स्कैम बोलते हो स्कैम नॉट स्कैम। और गाइस देखो मैं इधर चला आता हूँ और मुझे लग रहा था कि इधर कोई बंदा हो सकता है करके, और क्योंकि ये जोन के एज पे ही है तो मैं भाई अंदर जाता हूँ और क्या ही होता है देखो मेरे साथ, मतलब बूम बाम भाई। अगर इसको मैंने देख लिया होता तो मार देता ब्रो। देखो भाई इधर मैं उतर गया और आगे ही जाता हूँ और कुछ दिखता ही नहीं, मतलब देखो मतलब क्या ही भाई, मतलब ऐसा कौन मारता है कि भाई मेरा ग्लिच है या पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ इधर। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करो भाई लोग, मतलब आप लोग वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर लो कर दो भाई, एक गरीब का भला हो जाएगा। तो क्या ही कर रहे हो भाई, कर दो प्लीज भाई। और तो भाई आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो जानते हो मैंने बोल दिया है, ओ भाई दूसरी बार बोल रहा था क्या, सॉरी ब्रो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।